उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ओनर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेरहम पिता समेत तीन लोगों ने किशोरी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर शव को जला दिया। सारे मामले की सूचना ग्रामीणों ने 112 पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन पुलिस ने शव को जलते हुए नहीं रोका और ना ही कोई कार्यवाही की। वहीं पुलिस का इस बारे में कहना है कि वह शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के थाना आदमपुर इलाके के गांव गावरपुर उर्फ रुस्तमपुर का है। आरोप है कि पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी को अपने दो साथियों की मदद से उसके घर में ही रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को चारपाई पर ले जाकर जंगल में चला दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने 112 पुलिस को दी। बताया तो यहां तक भी जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव जलते हुए भी नहीं रोका। इस अंतिम संस्कार में पुलिस को देख परिजन फरार हो गए थे। जब हमने इस मामले में मृतक की मां से जानना चाहा तो मीडिया के सवालों से बचते हुए अपने दिए गए बयान पर बदलती रही, जिससे कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जब हमने इस पूरी घटना को गांव के लोगों से जानना चाहा तो पूरी घटना को कैमरों पर बयां करते हुए पिता और दो अन्य लोगों ने हत्या की बात कही गई है। लेकिन अमरोहा पुलिस इस पूरे मामले में मीडिया से फोन पर तहरीर मिलने की बात बोल रही है और कैमरे पर किसी भी तरह का बयान देने से साफ मना कर रही है। उधर बेटी की हत्या के आरोपी पिता से पुलिस ने पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई और मामले को दबाने में लगी हुई है। अगर ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो बेटियां कहां सुरक्षित रहेंगी? कहां के रहने वाली है? आपकी जो लड़की खत्म हुई कैसे हुई? किस समय में खत्म हुई थी? मैं तो खेत पर से आई, 11 बजे खत्म हुई थी। अच्छा, जैसे लोग गांव में चर्चा है कि लड़की को मार दिया गया? ना, ऐसा तो गांव होती है। देखो मेरे पेट की आ गई, मैंने बड़ी मुसीबत से पा ली, मेरी लाड़ आज मेरे से छोड़ कर बच गई। अंतिम संस्कार किसने करा लड़की का? कैसे अंतिम संस्कार किसने करा लड़की? इस बात की नहीं पता सर, किसने करा? आपकी लड़की आपको नहीं पता किसने करा? मैं तो नहीं। हाँ, लड़की के पिता हे मौके पे गए होंगे ना? बहुत आदमी रिश्तेदार गए होंगे ना? हाँ हाँ, बहुत आदमी गए हैं। लड़की के पिता नहीं थे? हम खेत पर से आए। लड़की के पिता नहीं थे? कहाँ थे वो? मुरादाबाद की। बता रहे हैं सुबह तो लड़की के पिता के आने से पहले दाह संस्कार कर दिया, क्यों? बात को हुई है, हमने फोन कर दिया, कह रहे डॉक्टर को हिसाब हो रहा। लड़की के पिता के आने से पहले दाह संस्कार क्यों कर दिया? उन्होंने क्या दिया? कह दे उन्होंने और नुका दे, फूल गई घास, फूल गई पानी आ गया। तो 8 बजे गए सब, 2 बजे खेत में सर को आए धान झाड़ झाड़ के। 2 बजे पर चली तुम्हें? 2 बजे आए के देखी जैसा जैसा दौड़े पड़ गए। कितने का था इसे? इसे ले गए 4 बाई पे ले गए। क्या आदमियों ने मारी? कहने 3 आदमी थे। बाप भी था इसका? बाप था दो। उसके बाद पुलिस आई? पुलिस आई तो गांव वालों को कुछ नहीं कहा? भाई सही थी पता नहीं। अच्छा, ये शमशान को किस चीज़ पर ले गए? शमशान पर तो उसमें ले गए, चार पाई पर ले। कितनी देर में मौत के, कितनी देर बाद में वो कर दिया इन्होंने, जला दी? मतलब इन्होंने जलाई थी अभी लगभग कैसे जलाई, 5-6 बजे। तो चिता के टाइम पर पिता इसका था लड़की का? नहीं था पिता, ना पिता का यहीं था, वहाँ नहीं थे। हुआ था लड़की को कुछ भी? नाम तील यही है मेरे बच्ची को, 6 महीना से ही। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? आज सुनानो पै सारे हम सर मई तो दिए अपने कह रही बेटा आज लाऊं डिब्बा के दवाई का, कल को जाई तो कह रही मम्मी परसों कल को चलूंगी मैं, परसों ले जाइए धान आ जाएंगे तो ऐसा कह रही मेरे बच्चे। अच्छा, कह रही मम्मी परसों के ले जाऊंगी मैं दवाई लेने, धान आ जाऊंगी खेत में से। मैंने कहा चल बेटा तू घर रह जाएगी ना? हाँ मम्मी घर रहूंगी मैं। किस टाइम हुई थी? किस टाइम? 11 बजे की बात थी। अच्छा, अंतिम संस्कार किस टाइम किया गया? अंतिम संस्कार किस टाइम? पिता का दाह संस्कार कब हुआ? 4 बजे की बात। अच्छा, तो सूचना गांव में कितने सूचना दी गई लड़की को मार दिया? मैंने बड़ी तो पाली लाड़ो मेरी। अच्छा, आपके भी पति हैं? अरे फूल गई लाश, तुम कह रहे भरत भी जानते लो ये लड़की बचने की ना है, कब जाकर मरने का? 3 घंटे 2-2.5 घंटे में लाश फूल गई?
कई दिन में लाए लिखा के बापू। अच्छा। तुम कह रहे लड़की बचने वाली ना। इलाज कहाँ चल रहा था? इलाज काम थी संभल भी लाई। कौन से डॉक्टर ने कहा कि अभी बचेगी नहीं? सभी कह रहे। कौन से डॉक्टर कहता था? नाना जन का नाम है गले में। जैसे आप झूठ बोल रखा नहीं। अच्छा। मौके पर आ गए और जब लाए भी नहीं तो उसके रस्सी खींची थी। अच्छा ताओ एक बात और बताओ, ये लड़की 15-20 दिन पहले कहीं निकल गई थी? ना ना ना, ना। अच्छा भाई हमने नहीं सुनी। आप देखो ये भी हमने नहीं सुनी, झूठी बात भाई। हमारे भी जो बेटे हैं आपसे क्या झूठ। ना ना ना, ना। ये बताओ इंसानियत भी तो कोई चीज है। हाँ। हम तो इंसानियत के नाते यहाँ आए हैं, बाकी हमारे रिश्तेदार तो है ना यहाँ। मत हो तुम तो वो जानो हो। हाँ। आप जानो हो तभी तो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमने खूब रस्सी खींची हुई देखी। अच्छा। और खूब हंगी हुई। अच्छा। हाँ वैसे जेवड़ी नहीं थी। अच्छा, हाथ पे थी जैसे मैंने सुनी मुझसे दाती और गंदा हो तो ये फिर कुछ आपको रिश्तेदार हैं खा जी। रिश्तेदार हैं आपके ये? ना ना ना, हम तो पत्रकार हैं, हम दोहर से हैं। अच्छा भाई हमने तो देखी तो ये जो है जी अपने उसे ले गई, यानी भैया ये उसे ले गई। अच्छा। फिर हुआ इसका बाप और कोई नहीं हो जी, इनके घर से कोई नहीं है आदमी ना, ये हम पहले बताएंगे। अंतिम संस्कार में कोई था ही ना? आप देखो जी हम ईमानदारी बताएंगे, हमारे भी दो बेटी है, झूठ बोलना अच्छा नहीं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आप हमारे तो बेटा दाखिल ही हो, मुझे खूब जानते हो कि फकीर मुसलमानों में हूँ, वहाँ का भतीजा हूँ। नन्हे पत्रकार जो है वो घुरन जो है। अच्छा। हाँ वो हमारा भतीजा आशा का। अच्छा। हाँ तभी तो रोकी गाड़ी। हाँ जी इसलिए भतीजा, इसलिए तो रोकी, थोड़ा सा चेहरा मिलता हुआ सा देखा। तो ऐसा है अब उसे जो है उसका बाप ही है वहाँ, उसका बाप ही है वहाँ। यहाँ लड़की का नहीं बताएंगे, उसका उसका दादा जो है लड़की का वो तो आलू निकालने गया है। हाँ हमसे सुन लीजिए, उसका जो उससे छोटा भाई है वो एक लाला के नौकरी कर रहा है। अच्छा। हाँ इसी यही बैजी के कोलू जो है। अच्छा अच्छा। हाँ नौकर है। एक जो दूसरा तीसरा है वो अपने कहीं चिनाई कर रहा है, कहीं बाहर है। बहुत लड़की का बाप है और कोई नहीं है नौकर। आप कभी किसी को फांसा लगो, एक मिसाल बता रहे हो। हाँ, बात ठीक है भाई। हमारे इन लोगों का साल और रात है वो ही था। मैंने तो यू भी कही सारे में चार लठ मारे दू पेल के अभी आवे। अच्छा ऐसे क्या बात है? तो फिर क्या हुआ? फिर तो गाँव वाले ने कुछ ना कही बताऊ। अरे गाँव वालों ने उसे बहुत कही। क्या कहा? वो उठो ही नहीं, वो तो वहां में होगा चक्कर से ऐसे का दौड़ा पड़ गयो, दौड़ा हो पड़ गयो। फिर उससे कुछ नहीं किया। तो फिर उन्हें मार कर ले कैसे गए? हैं? हाँ। जब वो मरी परी ही तो उसे ले गई भी। काय में काय से रख के ले गए? ये तो ऐसे ही ले गए खाटी। हैं? खाटी खाट पर रख के ले गए। हाँ चार पाई पे। हाँ अच्छा। और काय पे? चार पाई पे ले गए। अच्छा पुलिस पुलिस को सूचना दे दी किसी ने? हाँ फिर किसी ने पुलिस को दे दी। हाँ तो पुलिस आ गई वहाँ, उसने चिता रच गई। हाँ तो मैं भी वहाँ मौके पर पहुँच गया फिर दाती लेके। तो बताई ना तुमने? हाँ पत्रकार ने बूझी मुझसे। कोई बरियान में है सामरा सा जो वो जो है बरियान में, काले बरियान में। उन्होंने कहा आपका नाम मन फकीर के अच्छे आपका ही है। मेरे सामने उन्होंने फोटो भी खींचे। तो तुमने कहा ना कि साहब ने मार दी? हाँ हमने कही है। क्या? यही कही कि हाँ इनने मारी है बाप ने लड़की के। हाँ और कोई नहीं है दोहरे। अच्छा मारे के बचे क्या? ये मालूम नहीं चौधरी भाई। अब देखो जी मैं उस मोहल्ले में रहूं वहाँ। सुनने में आया कि ये हाँ बस सुनी बात सुनने में आया कि भाई ये देखो जी मेरे यहाँ चक है, मैं उर्दू पे को आया हूँ यहाँ ना सुनने में ताऊ ही आ रहा हूँ उनके मारे यहाँ बैठा हूँ। देखो भारो भी यूरो मैं झूठ बोलूँ आपसे और मैं इस मारे बैठा हूँ, ये देखा। अच्छा तब सुनने में आया कि जैसा कि लड़की जो थी हो कहीं चली गई थी पहले आपसे 20 दिन पहले। यानी जी भाई हमने कैसे। अच्छा ताओ तुम वहाँ थे जब इसकी चिता जलाई गई लड़की की? हाँ। तो इनके बाप जो लड़की का थे वहाँ या नहीं थे? ना 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 कुछ नहीं। और चचेरे तहेरे भाई या सगे कोई? हाँ उनके चचेरे तहेरे और ही है, गांव बारे ही है। रिश्तेदार आए? ना कोई ना। रिश्तेदार भी ना आए? कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं? बात मरने के कितनी देर बाद में चिता जला दी? ये नहीं खबर जी कब मरी, मैं तो इनके को दांती लेके चला आया। तुमसे झूठ बोल। पुलिस से ना कही? पुलिस ने कहा? पुलिस ने बूझी ही। हाँ। तो पुलिस से भी यही कही उन्हें बाप हो बाप नहीं मारी है। तो फिर पुलिस के सामने बात हुई ही। ये कह रहा था कि हमें बीमार थी लड़की। ये मैं भी कह रहा हूँ बीमार रहती थी भाई। हाँ मैंने देखो चौधरी आप यू में है, मेरा घर है वहाँ।
ये तो मैंने सूरत भी आज ही देखी है, ये वहाँ रह गए है, इसको बाप उसमें पशुपुरे में। अच्छा। बहुत दिनों से डांगदरी कर रहा है इसका बाप, हम तो वो बताएंगे डांगदरी करता हूँ। चले चलो ये वहाँ से अब आई बताइए, एक आध महीना या 15-20 दिन हुए या 2 महीना हुए। अच्छा। हमने बूझी रे मन की लड़की तो यहाँ कैसा है क्या, यहाँ बुलवा रही काम के टाइम। अच्छा। ये बता रहा है काम के। हाँ वह गांव के लोग, बस तुमने कहो तुमने बताइए, बाकी तो कह रहे हैं ना भैया बुराई आ जाएगी हो जाएगी। भाई हमारा तो कोई घर से खर्च नहीं हो रहा, हम तो जितनी बात है उतनी बताएंगे, फांसी पे भी जाएंगे तो भी बेटी उतनी बताएंगे हम। हैं जी बिल्कुल। हाँ क्या हमें फांसी हो जाए बेटा चोरी करेगा तो हम तो सारे चोर बताएंगे, कल को हमें ही लाऊ चुटा के। सैनियो था वो आप? नहीं साहब हम मुसलमान है, संभल गई। क्या कोई अमरा में किसी डॉक्टर से इलाज चला उसका? यहाँ से नली यहाँ रह गई। हसनपुर में जो भारतवीर को आप कह रहे हैं कि भारतवीर के दिखाया? हाँ वहाँ से लाए, बहुत दिनों। पर्चा है उसका? ना पर्चा उर्चा ना, कई बहुत दिनों की बात हो गई, 4 महीना ही बात हो गई। 4 महीने से बीमार चल रही थी? 6 महीना से चल रही थी। 6 महीने से बीमार चल रही थी? अच्छा। कितनी उम्र होगी? 17 साल की। क्या लड़की किसी के साथ अभी कुछ दिन पहले गायब भी हो गई थी क्या? हाँ। कुछ दिन पहले भी लड़की कहीं गायब भी हो गई थी? कहीं नाम ना मेरी गाँव या कहीं ना गई है, 9 साल में मौसी के घर आई घूम के ना मम्मी गई ना। अच्छा जब दाह संस्कार किया गया था तो उसके पिता कहाँ थे? पिता कहाँ है? कर दी गाँव कौन कौन ले गया था दाह संस्कार कराने? सभी गए। कौन कौन? जब सभी गए। नहीं नाम कौन कौन होगा जो कौन ले गया होगा? पता ना मैं रोने में लग रही है, पता ना कसा भी लेके गई थी गई बाबू। तो कौन कौन ऐसे मोहल्ला में हो जाना सब जने तो एक दो लोग एक दो लोग तो ले गए होंगे। 4 जने ले गए। किस मैंने किसी से ले गए? कांटी गई है। अच्छा। हाँ कांटी गई है। रिश्तेदार कौन कौन आए? रिश्तेदार तो सब गए। धान चार आदमी आए, रिश्तेदार भी आए। सुनो मेरी बात, मेरे देवर की टांग टूट गई, 2 मंजिल पर से गिर गए, उधर बारिश हुई तो वहाँ पहुँच गए सारे। अच्छा। ये पैसा वैसा लेने के टाइम आज निकाल के ला रहे तो आज डॉक्टर ने मना कर दिया, आज छुट्टी न करने के हम मुरादाबाद खड़े डॉक्टर के पास ही। अच्छा। मैंने जो धान पान हलवारी मजदूर खेत में। नहीं तो बिना पिता के लड़की की दाह संस्कार कर दिया आपने? वो स्टाफ कर रहे डॉक्टर, डांग घर कोई ना हम के तो वो डॉक्टरों ने पैसे मंगाए हैं। उनका हम जब टाइम छुट्टी न करने जब टाइम पैसे ना आएंगे वहाँ अस्पताल में। तो बिना पिता के क्या बोला पापा ने उसकी लड़की के? लड़की के पिता ने क्या बोला? कह दे चलो जैसे कर दियो फिर मैं आऊंगा सवेरे। अच्छा लड़की के पिता जाएगी तो लड़की के पिता कह रहे हाँ स्कूल जाएगी। हाँ अब तुम कर दियो। अच्छा ऐसा कही मुझसे काम कर दियो। हाँ मैं सवेरे को आऊंगा। लड़की के रिश्तेदार कौन कौन आए? सभी आए। मैं पियरिया था जो पियरिया मेरे सभी आए। देखो मेरे पियरिया सारे आ गए और चले गए, धान पड़े सबके खेतों में, हमारा तो टाइम ना आए। अच्छा कौन सी क्लास की छात्रा थी लड़की? नवे में पढ़ रही है। अच्छा, 10वीं में कर। कोई आई कार्ड या कोई है? आई कार्ड? हाँ आई कार्ड। बैंक में खाता खुलवाया। दिखाइए क्या बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? एक लल्ला है, 3 लल्ली मुझे। ये लड़की सबसे बड़ी थी? हाँ सबसे बड़ी। अब वहाँ घेर कर आये धनोर आगे लंगे मुकिनपुर आया है तुम मार्केट में घेर भी कर आये। फागुन में शादी कर देंगे इसमें। अभी कब गए थे घेर करने? सोमवार के दिन गए। अच्छा तुम बूझ लियो। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ, ठीक ही लोग। लड़की ठीक थी? हाँ पीलिया बनना ठीक है, पीलिया बनना। हाँ तो जब मैंने ठीक हो ही जाएगी जब तक तो ठीक हो जाएगी। तुम कह रहे हो लड़की कह रही है कि वो मैं नहीं जीऊंगी, तुम कह रहे हो लड़की ठीक थी? ना लड़की ठीक ना ही जाते है, हम लोग ठीक हो जाएगी जब। अच्छा वो दिखा बैंक की किताब, बैंक की किताब। सुनो मेरी बात, मैंने की लड़की ठीक हो जाएगी उसके बाद शादी करेंगे ऐसा कहिए मम्मी ने। मम्मी मैं ठीक हो जाऊँ जब शादी। तो उसकी सोमवार को घेर कर दी थी? हाँ सोमवार के दिन घेर कर आई। कहाँ? मुकिनपुरा। क्या करता लड़का? खेती है, ऐसी खेती है। अच्छा। बाप है ना लड़के का, खत्म हो गई। तो लड़की के पिता अभी तक नहीं आए हैं? है? अब मैं नंबर मिलवा रही मैंने की कितनी देर में आ रहे हैं पता ना, दूर की बात थी तो। अच्छा से नहीं आ पाए? सुबह मैं। किस टाइम बात हुई थी तुम्हारी उनसे, पति साहब से आपके? दोपहर हो गई मेरी बात। क्या बजे? ऐसे 2-3 बजे की बात थी।
वो लाओ एक बार, वो लाना उसके जो बैंक की किताब, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।